ओके, वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच डियर इंटरव्यू पे आने के लिए, और अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो सबके साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. तो कब आप वंडरनारी के साथ जुड़े और कैसे कैसे हुआ सब? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कमिंग इन माई लाइफ. ये इंटरव्यू में आना ही बहुत बड़ी बात है, आपके वर्टेक्स में आना. आई एम रियली फीलिंग दैट. ओके मैम, मार्च में आई थी यूट्यूब चैनल पे आपकी, वैसे ओके रैंडम मैं वैसे ही देख रही थी अपनी स्टडी रिलेटेड कुछ, आपकी वीडियो शो हुई 2 बार, तो मैंने कहा ना 20 मिनट की थी वो ग्रेटिट्यूड वॉक पे, मैंने कौन देखी थी लंबी, तो मैंने छोड़ दी, मैंने नींद देखी. फिर 2-3 दिन बाद फिर वो सेम शो हुई, मैंने चलो देख लेते हैं. फिर मैंने देखने लग गया आपकी वीडियो, तो उससे मेरे को इतनी एनर्जी अच्छी लगी, कनेक्ट हुई, मेरे को बहुत अच्छा लगा, फील हुआ. मैंने कहा आपके, फिर मैंने चैनल देखा, सब्सक्राइब कर लिया. फिर आपका लाइव था, लाइव गेम वाला कुछ, फिर मैं वो देखने लगी आपका. फिर उसमें मैंने देखा भी इतने अच्छे मैम भी, इतनी आवाज मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी. पहले तो एक आपकी मैं आवाज से बहुत कनेक्ट हो गई पहले तो, फिर मेरे को काफी अच्छा लगा. फिर मैं आपकी वीडियोस देखी, फिर सबसे पहले आपको, फिर तब सेल्फ लव वाला चल रहा था कोई प्रोग्राम, तो मैंने आपकी टीम को मैसेज किया, तब फिर पता लगा भी ये कुछ है. मेरे पास गूगल पे नहीं था, तो सबसे पहली मैनिफेस्टेशन तभी होगी जब मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऐड किया, गूगल पे आ गए मेरे पास. मुझे आज भी याद है वो मैसेज। उस दिन रिप्लाई मैंने किया था मैसेज का हाँ डायरेक्टली। जी हाँ जी, सुन के बहुत अच्छा लगा हमें. मैंने कहा भी मैम बहुत अच्छी हैं भी, हर किसी का रिप्लाई करती हैं. तो ना वैसे बैकग्राउंड गांव में से हैं, गांव में भी उठानी है हमारी, वैसे भी प्रॉपर गांव नहीं है, तो यहाँ पर मतलब ऐसे लड़की को गूगल पे वगैरह देती नहीं चलानी है ना, तो मैंने घर पर कहा भी मेरे को गूगल पे चाहिए. तो मेरे कजन से लड़े कहते हैं हमारे पास है तो सरिता ने क्या करना है, तो जरूरत होगी हम पूरी करेंगे. तो फिर मैंने, तब मैं कुछ नहीं बोली, फिर मैंने गाइडेड वॉक स्टार्ट कर दी करनी. तब मैंने विजुलाइज किया, 2-3 दिन भी मेरे पास गूगल पे अकाउंट आ गया, गूगल पे मेरे फोन में चल रहा है खुद के नाम से. तो फिर अचानक से मेरे पापा कहते हैं ना भी चलो करवा देते हैं, ऐसे ही हमारा सिर खाती है, अपने आप कर ले करेगी जो करना होता है. फिर मेरे पास गूगल पे आ गया. और आप क्या करते हो, करियर में क्या करते हो? मैं वैसे तो एस एस सी सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ, साथ में मैं ट्यूशन पे बच्चों को टीच करती हूँ. ओके, इससे पहले आपने क्या नॉन पढ़ाई पढ़ाई की है? ओके मेडिकल बीएससी. ठीक है। और क्या क्या मैनिफेस्ट किया आपने? मैम अब तो हर दिन ऐसा लगता है भी कुछ ना कुछ मिरेकल्स हो ही रहे हैं पक्का ही. किस तरह के? अब तो हर दिन ही ऐसा लग रहा है. एग्जाम्पल। फिर जो थॉट मैं सोचती हूँ, जो थॉट मैं सोचती हूँ वो पक्का ही हो जाता है. एवरी थॉट बिकम रियल. आई नो, एवरीवेयर आपका मैसेज होता है, कमेंट्स में, यूट्यूब लाइव में, हर जगह होता है। किस तरह से? फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स आप बता, मुझे तो पता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स, लेकिन फिर भी आप बताना चाहो। मैम जैसे भी अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं शॉपिंग करने गई, मेरे को 2-3 दिन महीने हो गए. पहले ना मेरे को एक ग्रीन कलर का हैंडबैग चाहिए था, तो वो अवेलेबल नहीं था. तो फिर मैं अब शॉपिंग करने गई, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, मैंने कहा नहीं याद रहा मेरे को. फिर मेरे कजन का फोन आया, हमने शॉपिंग वगैरह कर ली, वो कहती है ना हमें आप ना क्योंकि सामान ला देना. मैंने कहा ठीक है, उन्होंने पर्टिकुलर शॉप बता दी, हम शॉप में चले गए. तो मैं बिलिंग करवाने लगी, जैसे गूगल पे ओपन किया, सामने डिस्प्ले में वही सेम कलर का हैंडबैग पड़ा हुआ था, सेम. साथ में उस शॉपिंग में कभी गई भी नहीं थी, ये सेम मेरे पास वो चीज आ गई जो मैंने सोचा हुआ था, डिस्प्ले में सामने पड़ी थी, लो भी ले लो. हाँ, राइट राइट, आपको वहां भेजा बस गया। और हाँ जी आप मैम, मेरे कौन से प्रोग्राम में? सिल्वर में हो? सिल्वर मेंबरशिप में हो? में हाँ ब्रॉन्ज में है? ठीक है, ओके। तो एवरी वीक मिलते हो, जी मैम. तो वीकली वेबिनार के बारे में क्या करना चाहोगे, क्या लगता है आपको? मैम ऐसे वाइब्रेशन काफी हाई होती है, पहले जैसे मतलब भी सिर्फ मैं यूट्यूब की वीडियोस देखती थी आपकी या कोई लाइव, उसके बाद ये मैंने कोर्स भी मैनिफेस्ट किया आपका, तब गुरु पूर्णिमा चल रही थी, मैंने आपको 2-3 बार लाइव में कहा था मैम कोई प्रोग्राम लेके आओ, प्रोग्राम लेके आओ. तो उसके बाद ना फिर आप बहुत बड़ा कारण हो इस प्रोग्राम का। मैं आपको सच बोलूं तो क्रेडिट आपको जाता है।
तो मैम उसके बाद ना फिर मैंने ना रोज मैं गाइडेड वर्क में कहती थी भी ना मेरे को मैम का मैंने ले लिया, मैम का मैंने ले लिया कोर्स कोई ना कोई। तो उसके बाद मैंने पर्टिकुलर उतनी अमाउंट मैंने कहा की थी मुझे इतने में चाहिए। जब गुरु पूर्णिमा था अपने डिक्लेरेशन वीडियो चल रही थी ना जूम कॉल्स पे, तो मैंने देखा भी मैम ने प्राइस बताया, मैंने कहा ये तो काफी महंगा है ना, नहीं लेती। तो उसके बाद फिर आपने कहा भी गुरु पूर्णिमा पे ऑफर है, सेम प्राइस वही ऑफर हुआ जो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि इतने में मिलेगा। उसके बाद काफी मैम चेंज हुई है लाइफ। उसके बाद से जब से मैंने कोर्स के अंदर आई हूँ ना, तब से मैंने जाना है भी वंडर नारी के अंदर भी बहुत ज्यादा कुछ है, एनर्जी तब से ज्यादा मिली है भी, हाँ भी ये कुछ भी है। यूट्यूब पे तो सिर्फ ऊपर पर ही फर्क है, जैसे अपने अंदर जाएंगे इनरोल होएंगे तब पता चलता है भी सच में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि YouTube वीकली पे टाइम ना बाहर का पोस्टर तक भी नहीं है YouTube पे जितना, क्योंकि YouTube पे एक तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना सब कुछ शेयर करना, फिर बड़े रूल्स आपके सिर पे होते हैं, आपको छोटा वीडियो बनाना है ऐसा वैसा, फिर YouTube पे रिक्वेस्ट बड़ी होती है कि ये वाली कर दो ये वाली कर दो, तो उसके हिसाब से बनाते हैं। तो जब आप अंदर आते हो तो आपका कनेक्शन जुड़ चुका है उस टाइम पे, देन इट्स लाइक आपको पता ही है कि कैसे, लाइक इट गोज फ्री फ्लो, तो उस टाइम ऐसा नहीं होता, कुछ बाउंड्री नहीं होती। उसके बाद से फिर आपको एक पहला कोर्स था बेसिक एलओए वाला, वो मैंने किया प्रॉपर। उसके बाद मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए, उसके अच्छी सी डायरी लगाई। उसके बाद से लाइफ रोज चेंज हो रही है। वो कोर्स मतलब इच्छा अच्छा किया, पहले मेरे को लगता था मैनिफेस्टेशन तो ये है क्योंकि बड़ी बड़ी चीज आईफोन आ जाए, कोई बड़ी बड़ी गाड़ी आ जाए, बट नहीं, अब पता लग गया भी एवरी थॉट इज रियलिटी। उसके बाद पता लगा भी नहीं। एलोए फाउंडेशन का आपको व्हाट डू यू थिंक, कितना वैल्यू लगा आपका जो आपने मनी पे किया और जो आपको वैल्यू मिल रहा है उसके कंपैरिजन में कुछ कहना चाहोगे? मैम वैल्यू तो मतलब प्राइस तो बहुत कम है और वैल्यू इनफिनिटी मिली है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। आपने प्राइस बहुत कम रखा है। सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? मैम आप जैसे आपकी 75 डेज वाली सीरीज है वो वाली भी बहुत अच्छी है, उसमें से लाइफ बहुत चेंज हो रही है। अब जैसे मैं रेगुलर कर रही हूँ ना, काफी पॉजिटिव मिरेकल्स हो रहे हैं। मतलब पहले मैं ऐसे ठीक थी, भी ग्रेटिट वॉक नहीं करती थी, मेरे को पता नहीं था भी क्या होता है क्या नहीं होता। आपकी मुझे सबसे अच्छी ग्रेटिट वॉक ही लगती है। उस लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आए हैं जितने राइट। भी गए थे। आसपास के लोग कोई चेंजेस नोटिस करने लगे हैं आप में? हाँ जी मैम, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल है वो कहते हैं भी आपकी ना वॉइस बहुत अच्छी होगी, आपको और ऐसे लगता है ना भी ऐसे इतना स्मूथ इतना इजी, भी मन करता है ना बात करें आपसे। तो मैग्नेट बन गए, अट्रैक्ट कर रहे लोगों को। हाँ जी मैम, तो करके बाकी अब तो वैसे मेरा एक मैम अच्छी है, बट मेरी ये बन गई, पहले मैं पाठ पूजा करती थी भी भगवान को मानती थी, बट आपके जुड़ने के बाद मतलब ना एक ऐसे लग रहा है, पहले फील नहीं होता था भी कि पावर है बस कर लिया ठीक है। अब जैसे पाठ करते हैं, गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो एक वो पावर फील होती है, हाँ भी कोई पावर है मैं देख रही हूँ, वो कनेक्शन फील होता है, मतलब ऐसे नहीं, अवेकनिंग होगी कुछ। ऐसे नहीं लगता है भी कहीं दूर आसमानों में है, कभी पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा अनअप्रोचेबल नहीं लगते। हाँ जी मैम, अब ऐसे लग रहा है भी नहीं भी वो तो अपने को सुनने के लिए तैयार है, बस अपनी उस लाइन में नहीं थे अब से, मतलब ऐसे पूरा कनेक्शन अच्छा लगता है। जैसे कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती है कि हमें बेबसी सी फीलिंग फील होती है कि भाई ये मान नहीं रहे या ये होगा नहीं, तो अभी कोई ऐसी घटना हुई हो जो आप शेयर करना चाहो कि भाई आपको मनवाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जैसे गूगल पे की एक एग्जांपल आपने बताई, ऐसा कुछ हुआ हो? मैम जैसे मैं भी पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, अपने वैसे सरप्राइज वगैरह कुछ देते ही नहीं है ना, भी पहले घर पर पता लगने के बाद फिर ही कुछ होता है ना भी। तो अभी जस्ट ये 8-9-10 दिन की बात है ना, तो फिर मेरे पापा जी गए बाजार तो गोल्ड की इयररिंग्स ले आए, अच्छा सरप्राइज कहते हैं सरप्राइज है आपके लिए ये वाला, मैं शौक रह गई, मैंने कहा माय गॉड, घर से हाँ, और किसी को नहीं पता था। ये आपकी डिक्लेरेशन की पावर है। हाँ जी, कुछ डेकोरेशन आपने लिखवाया था ना, तो कुछ आएगी वही, मैं सोच रही थी कहाँ से आ गया। दिल्ली में क्या क्या करते हो लाइफ अभी? क्या मैम, अभी आप दिल्ली में क्या क्या करते हो मैनिफेस्टेशन के लिए, जो मुझसे जैसे मैं सीखे वो पहले क्या क्या अप्लाई करते हो दिल्ली में? मैम गेट टू वॉक करती हैं पहले, तो फिर
फिर मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल में हम जैसे 10 थिंग्स लिखते हैं जो अच्छा हुआ होता है आज के दिन में, वो लिख लेती हैं। और मैंने अब डांस स्टार्ट की है डेली, उससे वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है। और जैसे एक भजन और जैसे गुरबानी ये सुननी स्टार्ट की है, इससे ना ऐसे और बहुत पॉजिटिव रहता है, भी अपने भी मस्त रहे और भगवान से जुड़े रहे, बस यही लगता है। जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफी ऊपर नीचे होती है वाइब्रेशन, कई बार पढ़ने को भी मन नहीं करता, कभी कोई कंट्रास्ट आते हैं, तो ये सब चीजें फॉलो करने के बाद या ये सब चीजें स्टार्ट करने के बाद आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं उस एरिया में? मैम पहले तो ऐसे था भी ना, भी जैसे 10-11 घंटे इकट्ठा पढ़ना पड़ता है ना, भी गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी करनी पड़ती है। पहले आप जुड़ने से पहले ऐसा भी पढ़ लिया ठीक है, और टाइम बहुत लगता था याद करने में, समझने में चीजों को। अब मतलब फोकस भी रहता है और प्रॉपर मतलब ना कम टाइम में ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है, और मेमोरी भी ज्यादा होगी भी याद रहता है। अब ऐसे रहता है सब कुछ ईजी है। कोई प्रेशर लगता है कि भाई हाय इतने अटेम्प्ट लोगों के अटेम्प्ट देते हैं, जैसे हम जो स्टोरी सुनते हैं उस तरफ कोई माइंडसेट शिफ्ट हुआ है? मैम पहले तो होता था मेरा ना, भी सभी कहते भी इतने लिए तो लिया ऐसा ऐसी सीरियल, लोगों को दो दो तीन तीन साल लग जाते हैं, कोई टीचर में जाओ इधर जाओ, क्या पढ़ा इस नौकरी में, ऐसे बहुत सुना। बट फिर भी मैंने ये ले ली, मैंने कहा नहीं मेरे को यही करनी है। फिर उसके बाद अब नहीं लगता, जब से आपका यूट्यूब चैनल मिला है आप मेरी लाइफ में आए हो, तब से नहीं मैं तो यही करना है मेरे को तो। और मेरे को सो भी नहीं है, जैसे मैम कुछ भी करते हैं ना सोचते हैं भी ये कर लें, तो जैसे रोज मैं अपनी गोल लिस्ट बनाती हूँ, इतना मेरे को वर्क करना है, इतनी वीडियोस वगैरह देखनी है, सब कुछ करना है, और वो रोज पूरा हो भी रहा है। प्रोग्रेस बहुत आ रही है ऐसे। गो ऑन गो ऑन। उसके बाद में प्रोग्रेस बहुत आ रही है, लग रहा है भी ना खुद से कनेक्ट हुए हैं, तो लग रहा है भी सब कुछ ईजी है। वही मैं पूछना चाहती थी कि जैसे हम कोई इतनी सारी चीजें कर रहे होते हैं, अब देखो आप इतने घंटे पढ़ाई को भी दे रहे हो, घर में भी कुछ ना कुछ रहता ही है, और आप वंडनारी के भी कितनी सारी चीजें कर रहे हो आप, उधर हमारा कोई ना कोई कॉल रहता है, उसके बाद हमारा लाइव रहता है, या फिर मैं जहाँ दो दो ढाई ढाई घंटे का आपको वेबिनार देती हूँ उसमें कुछ टास्क भी दे देती हूँ, फिर ये भी बोलती हूँ 75 डेज के वाला भी करो, तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, तो आपको क्या लगता है एफर्ट, जैसे हम जैसे इतना सारा काम होता है हम जब करते हैं तो हमें ऐसा बर्डन फील होता है, तो उस चीज में आपको कैसा लगता है, इजी लगता है मुश्किल लगता है, कैसा अंदर कैसा फील होता है, टाइम मैनेजमेंट? अब खुशी लगती है मैम, भी टाइम मैनेजमेंट भी हो सकता है। पहले तो ऐसा था सिर्फ पढ़ाई होती ना, वो भी ऐसे बर्डन था, ओ माय गॉड इतने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे दिन चल, अब लग रहा है ना भी 24 घंटे भी बहुत ज्यादा है अगर अपने देखे तो। अब ऐसा लगता है, अब ऐसा होता है कोई ना कोई पावर है पुश कर रही है, करो करो करो। दूसरों के लिए भी मैनिफेस्ट करते हो कि अपने लिए ही करते हो? मैम वैसे पहले मैं मैनिफेस्ट जैसे जो चीज मैंने देखा है, जिससे मैं ज्यादा अटैचमेंट हो जाऊँ ना, वो चीज मेरे को नहीं मिलती, जो मैं छोड़ दूँ ना भी नहीं भगवान पे छोड़ दूँ, वो जल्दी मिलती है जो सरेंडर कर दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सरेंडर तो बिल्कुल है आपकी, वेलकमिंग स्पेस और सरेंडर दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, और ये कॉमन पैटर्न है जितने भी लोगों का अभी तक मैंने इंटरव्यू किया है, जितना आप सरेंडर जल्दी कर देते हो उतनी जल्दी चीजें आती, क्योंकि रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गई ना, उससे पहले कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि मैं ही करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, दैट इज ईगो। हम कौन है, हम तो पुतला है। फैमिली वाले भी बोलते हैं भी 12th के बाद ऐसे अपने यहाँ पर आईलेट्स का बहुत क्रेज है, भी करके वहां जाओ भी लगा देंगे पैसे, 20-30 लाख सेट तो हो जाओगे। पहले मतलब मेरे को ऐसे बहुत होता था भी, जैसे मैं 21 की होगी मैं ना, अब तो कह रहे हैं भी अभी जस्ट मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट ही हुई है, तो सभी कह रहे थे भी अच्छा था ना भी 18 की जब 12th हो जाती तब चली जाती है ना भी, सेट तो जाती, लेकिन अब मेरे को नहीं होता। मैंने कहा नहीं, एक PR या एक वीजा क्या बांध के रखेगा हमें जिस मिशन पे हम निकल गए हैं, हमें तो कंट्री टू कंट्री घूमना है और अपना जो बिगर मिशन है वो करना है। मैम यही बात, अब जैसे मैं उसमें मेडिटेशन करती हूँ ना, ऐसे लगता है जो भी ठीक है भी वो तो करना ही है ना, ऐसे अंदर से आवाज आती है भी नहीं रमन ब्रॉड यू आर ऑन बिग मिशन, ऐसे ऐसे ना अंदर से गट फीलिंग आ रही है। आप अपने लाइफ पर्पस के पास जा रहे हो, आपको अंदर बहुत यर्निंग है ना लाइफ पर्पस की, तो वो
पर्त बाय पर्त अनफोल्ड हो रहा है आपके पास। अब वेट करने कब आएगा मैम लाइफ पर्पस? लाइफ पर्पस कभी, जैसे मैं पहले बोलती हूँ, लाइफ पर्पस कभी ऐसा नहीं होता कि इट्स अ डेस्टिनेशन, इट्स अ कॉन्टिन्यू जर्नी, इट विल कीप ऑन रिफाइनिंग। आपकी बेसिक वैल्यूज पहले रिफाइन होती हैं। जैसे अभी मेरी बेसिक वैल्यूज अगर आप देखो तो केयर है, कम्युनिटी है, उसके बाद कंपैशन है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं जो मर्जी काम करूं ये चीज उसमें दिखेगी दिखेगी, चाहे मैं पर्सनल लेवल पे किसी से बात करूं या फिर मैं वेटरनरी फैमिली का कुछ काम करूं, तो ये चीजें दिखेंगी। तो सबसे पहले आप उन चीजों से कनेक्ट होते हो, उसके बाद फिर वो आप जो भी हो सकता है। आज मैं एक वंडरनारी का प्लेटफॉर्म शुरू किया, तो वही मेरा लाइफ पर्पज हो गया कि ये चीजें यूज करके मुझे लोगों की हेल्प करनी है। लेकिन कल को तो वंडरनारी ने 100 कंपनी शुरू करनी है ना, तो ऐसे नहीं मैं कह सकती ना वंडरनारी मेरा लाइफ पर्पज था। तो इट कीप्स ऑन रिफाइनिंग। तो जब हम सोचते हैं ना, बैठते हैं कि भाई मैं ये करूं, मैं बस ये यही करना है, या फिर मुझे क्या करना है मुझे कोई बता दे, तो वो एक बहुत छोटी अप्रोच होती है। मैम वही और बात होगी, मैं कहता है ना भी कहती है भगवान भी, आप तो मतलब बगीचे में से फूल मांग रहे हो, मैं आपको बगीचा देने को तैयार बैठा हूँ। एग्जैक्टली और हमारे अपने तरीके जो होते हैं मैनिफेस्ट करने की, हमारी तो तुच्छ सोच है। यू डोंट नो बट यू डोंट नो, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या क्या नहीं पता है, राइट? तो यूनिवर्स को पता है कि आपको किस तरीके से देना। अब आपने ये थोड़े ही मैनिफेस्ट करना था कि मुझे कोई ऐसी दुकान मिल जाए जहां वो ग्रीन बैग मिल जाए, वो यूनिवर्स का तरीका है ना। हो ये भी हो सकता है कि आप उस टाइम थके हुए हो, आप घर आना चाहते थे, और शायद फोन ऐसे बंदे से आया हो कि जिसको आप किसी भी वजह से मना ना किया हो, ऐसा सोचा हो बुरा मानेंगे या कोई ऐसा। कई बार ऐसा भी होता है, शायद आप अपने लिए ना जाते लेकिन क्योंकि किसी की रिक्वेस्ट आ गई आपको तो आप जाते हो। तो यू नेवर नो, यूनिवर्स हैज इट्स। बताइए। डिटो सेम है, मैसेज हुआ मतलब ना, वो कजन बहुत छोटी है मेरे से, 7-8 years की है, छोटी सिस्टर है, तो उसका फोन आ गया, तो मेरे पेरेंट्स कहते कोई बात नहीं, उसके पापा भी जाते हैं ना बुला देंगे, ऐसे कहाँ जाएंगे करेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसे दिल टूट जाएगा, जाते हैं ना। हाँ, तो दिल तो आपका बनाना था, यूनिवर्स ने दिल तो आपका बनाना था, आपको क्रेडिट देना था कि बहन लेके आई है उसके लिए चीज, लेकिन यहाँ कुछ और ही, पीछे कुछ और ही चल रहा था। मैम डिस्प्ले पे बिल्कुल सेम, मैं बिलिंग कर रही थी ना तभी पता लगा भी, सेम वही बैग जो मेरे को चाहिए था, वही सेम कंपनी का। राइट राइट राइट। याद आ गया, मैंने कहा मिल गया। पैसे की या कोई और चीजों की मैनिफेस्टेशन हुई हो घर पे? हाँ जी मैम, हमारे भी हुई है। मैंने 4-5 दिन पहले हमारे घर पर कोई प्लाट वगैरह लेना था, तो कह रही थी ना वैसे ही कोई आइडिया भी लेना है, वैसे बात कर रही, तो मैंने वैसे बीच में कह दिया आके, मैंने कहा ये तो काम हो ही गया, सिर्फ मैंने मेनली ऐसे कह दिया। उसके बाद 4-5 दिन बाद पापा कहते भी हो गया। घर वाले ले लिया, समझ गए घर वाले। हाँ, बोलिए। और मैम घर वाले कहते हैं ना मतलब वो पेजेस लाके स्पेशल, मतलब मैं जैसे जॉइंट फैमिली में ताया जी ने मेरे को ही दिए, कहते भी आप ले लो, आप हाँ। रखो अपने हाथों से, मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आई, मैंने कहा माय गॉड वो तो होना ही है, किस फैमिली का मेंबर बन चुके हो, वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलना ही है हर जगह। सिंहासन बोलती हूँ ना मैं, वो सिंहासन तो मिलना ही है आपको। और वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि अभी फैमिली वालों को कुछ थोड़ा बहुत ऐसा चेंजेस लगते हैं आप में कि भाई कुछ तो चल रहा है इसका? काफी लगते हैं ऐसे। मैं जैसे सुबह सुबह मैं मॉर्निंग में करती हूँ मेडिटेशन वगैरह, गैपिड वॉक है ना, तो कई बार ऐसे पापा मम्मी जो उठे होते हैं ना भी देख लेते हैं, भी कहते बस अब थैंक यू लगी रहेगी। अभी किसी ने मैसेज किया था, आपने किया था या पूजा, पूजा के नाम से मैसेज था शायद, कि वो कार में जा रहे थे और आज, अच्छा आपने किया था, तो पापा कह रहे कि आगे तेरी थैंक यू वाली मैडम। मतलब काफी चेंज हम खुद को तो लग ही रहे हैं, घर वालों को भी लग ही रहे हैं, ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलते कुछ काम हो ना कहेंगे ना उससे पूछो उसकी क्या इंटेंशन कह रही है, मैं वही फिर अपने पूछने घर। वाली थी। हाँ, वही पूछने वाली थी कि घर वाले आपका हेल्पलाइन यूज करने लग गए या नहीं। उससे बहुत अच्छा फील होता है, फिर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। हाँ, क्योंकि आप अपनी एज से, अपने जेंडर से, अपनी लाइफ की स्टेज से बियॉन्ड
लगने लगते हो, क्योंकि फिर ये भेद नहीं रह जाता कि आप 20 साल के हो या 50 साल के हो। शायद जो बात आपकी दादी से करते वो भी बात आपसे करने लगते हैं, क्योंकि वो जो डिविनिटी है वो आपके थ्रू फ्लो होने लगती है। हाँ जी मैम, ये एक्सपीरियंस बहुत कर रहे हैं। अब जैसे मेडिटेशन में करते हैं, कल आपने मेडिटेशन करवाया लाइव में, या वैसे रोज करती हैं, तो इतनी कामनेस आ गई, मतलब ना ऐसे फिर होता भी और करें उसके बाय चांस कई बार नहीं उठ रहा था, मिस हो जाता है मैम कई बार। मेडिटेशन भी बाद में कर लेंगे ना, उस दिन ऐसे लगता है भी मेडिटेशन मतलब क्या नहीं किया, कुछ मिसिंग है। पहले तो वैसे मजाक भी करती थी मेडिटेशन ना भी शौंग शौंग में, अब तो मतलब करना जरूरी हो गया, अभी करना ही है। रूह की खुराक हो जाती। हाँ जी मैम, जैसे सोल को फीड चाहिए वैसे वो बात हो जाती है। अब जब आप पहले YouTube वीडियोस देखते थे तो उस टाइम पे आपको लाइक आप अकेले देखते थे राइट वीडियोस, तो अभी जैसे आप फैमिली का पार्ट हो गए हो वंडरनारी फैमिली का, तो आपको कुछ कुछ डिफरेंस के भाई बाहर सिर्फ वीडियोस देख के सीख रहे हो और अब आप आते उसी ग्रुप में बैठते हो रोज, और अब तो उससे भी एक और लेवल बढ़ गए हो, आप नव दुर्गा का पार्ट बन गए हो, तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहोगे? मैम बहुत डिफरेंस है जमीन आसमान का, मतलब ना यूट्यूब पे तो मतलब ऐसे अभी यूट्यूब एनर्जी है आपकी, बट अगर आपको डीपर लेवल्स या आपका अनकंडीशनल लव देखना है तो ना आपके कोई ना कोई कोर्स में आ जाओ, आगे तो आप खुद ही ले जाओगे। आपने क्या एक्सपीरियंस किया, अपना एक्सपीरियंस बताओ, कि जैसे आप उसी ग्रुप में आते हो, बहुतों की स्टोरीज आपको भी पता चल गई होंगी अभी, तो हाँ जी वो मैम, जो मेरे साथ कनेक्शन है, नॉलेज है, वो तो है ही, मेरे साथ एनर्जी है, लेकिन जो बाकी बाकी लोग आपकी सोल फैमिली बन चुके हैं, उनके उस फीलिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे मैम यूट्यूब में मैम काफी कनेक्शन था, भी ऐसे भी आप इतना अच्छा प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव है आपके पास, इतनी केयर करते हो, सारी फैमिली अपनी आपने गुड पीपल ही अट्रैक्ट की है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, टच वुड है ना। तो ऐसे मैम जैसे अपने वेबिनार में जाते हैं, जैसे चंचल दीदी हो रहे हैं और कराती है, ये सारे हैं, इनसे मतलब काफी अच्छा लगता है, ऐसे मतलब लगता है भी कोई पिछला रिश्ता था। और सबसे बड़ी बात, आप सब लोग एक ही जर्नी के थ्रू जा रहे हो, हाँ जी मैम, आपकी जो मैनिफेस्टेशन हो रही है, आप अपनी फैमिली रिश्तेदार जो बाहर हैं वंडनारी फैमिली से बाहर हैं उनसे बताओगे, तो उनको आपको लंबा चौड़ा सब कुछ समझाना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, एंड अपना कहीं ना कहीं वो आपकी खुशी का वो लेवल भी फील नहीं कर पाते हैं। हाँ, उन्हें दिखता है कि ठीक है उसको बैग चाहिए, मिल गया, राइट, सही दैट्स बात इट। है। लेकिन ये जो रस है, यूनिवर्स इज लिसनिंग टू मी एंड यू नो माई इंटेंशन सीड, ये जो रस है वो समझ सकता है जो आपकी तरह जर्नी में है। हाँ जी बाहर मैम, बाहर हम फ्रेंड्स, सुनो बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करो आप। बाहर जैसे जिस, मैम जिसने हाँ, जिसने किसी रसगुल्ला खाया नहीं कभी, उसको क्या पता क्या टेस्ट है उसका, क्या वही सेम टेस्ट, बात है।